नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान का पार्ट टू है जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल बैंक पीओ व अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकत्व यानी कैपिलरी के कारण ऊपर चढ़ता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। केश नली क्या होती है? वह खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है वह केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव का उतार या चढ़ाव केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि केश नली का जो त्रिज्या हो कम होगी तो द्रव अधिक चढ़ेगा, जबकि केश नली की त्रिज्या अधिक होगी तो द्रव कम चढ़ेगा। पेड़ पौधों की शाखाओं तनों एवं पत्तियों तक जल व आवश्यक खनिज लवण केशिकत्व के द्वारा ही पहुंचता है, जबकि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। क्यों? ताकि मिट्टी में बनी केश नली टूट जाए और वर्षा का जल ऊपर ना सके। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में बन सकते थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दो, वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय तनाव अथवा सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह मान शून्य हो जाता है। वर्षा की बूंदों एवं पारे के कण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। साबुन एवं डिटर्जेंट द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह मेल में गहरे चले जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर होता है। यानी इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में बन सकते हैं। आप इन सभी फैक्ट को नोट करते चलिए, आगामी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीन, अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और उतने ही आयतन संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका अनुपात जो होता है 100 से गुणा किया जाता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर चार, दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपीपीएससी में 2008 में पूछा गया प्रश्न है, आप इन्हें नोट करते चलिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है इस क्वेश्चन में देखिए, सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सन के जो रेज होती हैं वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, क्योंकि उसे अर्थ जो होता है उसे रोक लेता है, इसलिए जो एरिया होता है ये शैडो जोन में आ जाता है, इसलिए ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति केवल फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन ही होती है। हर महीने ग्रहण क्यों नहीं लगता? दोस्तों हर महीने ग्रहण इसलिए नहीं लगता क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए प्रत्येक महीने ग्रहण नहीं लगता।
इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, ओजोन परत के क्षयीकरण यानी डिप्लेशन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, ओजोन परत के डिप्लेशन का जो प्रमुख कारण है वह CFC गैस होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। आइए दोस्तों, ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे CFC से डिनोट किया जाता है। यह ऊपरी वायुमंडल में क्लोरीन उत्पन्न करते हैं जो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में प्रमुख गैस होती है। दोस्तों, बात करते हैं ओजोन परत की। दोस्तों, ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाई जाती है। इसका जो ऊंचाई होता है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। ओजोन गैस की संकेंद्रण जो ज़्यादा होता है। दोस्तों, ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, धावन सोडा क्या होता है? दोस्तों, धावन सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को यह खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि? दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार गिरती नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 10 का ठीक हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इटली में स्थित पीसा की मीनार अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बन सकता है कि झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे इटली में स्थित है। दोस्तों, पीसा की मीनार का निर्माण कार्य सन 1173 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह कार्य 200 वर्षों तक चलता रहा। टमासो पिसानो ने सन 1399 में इस टावर का निर्माण का कार्य पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आठ, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पदार्थ बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, केवलार का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 30 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, केवलार एक एक्रेलिक बहुलक है। इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। बात करते हैं रेयन की। रेयन सेल्यूलोज एसीटेट का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है। दोस्तों, माइकोराइजा जो संबंध होता है वो किन के बीच में होता है? तो दोस्तों, ये कवक व उच्च पौधों के जड़ों के बीच में ये संबंध होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है, इसे लाइकेन कहलाता है, यानी लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, यह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, यह निर्जलित जिप्सम है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से लेकर 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है, जो परिणाम स्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2 H2O होता है। बात करते हैं जिप्सम की रासायनिक सूत्र की। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है 2H2O। प्रश्न नंबर 11, भारतीय बाघ यानी इंडियन टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इंडियन टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टिग्रिस, यानी इसका ऑप्शन नंबर है इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन टाइगर को भारतीय बंगाल टाइगर कहा जाता है। इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नंबर 12, भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त
नोबेल प्राइज जो दिया गया था उन्हें रसायन क्षेत्र में दिया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर है इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैडम क्यूरी एक भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बार इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में जबकि दूसरी बार इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। यह पेरिस विश्वविद्यालय की पहली महिला प्रोफेसर भी बनी थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम धातु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। दोस्तों रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात्रि में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रात्रि में जो अधिकतर वृक्ष होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों रात में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ पौधे रात में श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन करते हैं जबकि दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करते हैं। दोस्तों फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जबकि पौधे ऑक्सीजन गैस का विमोचन करते हैं यानी वातावरण में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ये इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो दोस्तों ऊंट अपने कुबड़ का इस्तेमाल वसा संग्रहण के लिए करता है यानी फैट के जमा करने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। इस कुबड़ में चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शरीर जो होता है पूर्णतः मरुस्थल यानी डेजर्ट के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं। इस जंतु में सांस लेने की जो प्रक्रिया हो तो धीमी होती है। इस क्वेश्चन से दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारुत्व यानी पिच होता है। दोस्तों सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का जो पिच होता है वो पुरुषों से अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सामान्यतः स्त्री तथा बच्चों की आवाज़ का तारुत्व पुरुष की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। तारुत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को भारी अथवा तीक्ष्ण कहा जाता है। दोस्तों यह आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी तारुत्व जो होता है वह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों शार्क मछली में 0 हड्डी होती है यानी इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शार्क मछली में हड्डी नहीं पाई जाती जबकि शार्क मछली का जो कंकाल तंत्र होता है वह उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से नैको संस्था संबंधित है। दोस्तों नैको संस्था जो संबंधित है वो एड्स है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभार के रूप में 1992 में स्थापित नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नैको भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करता है। दोस्तों बात करते हैं एड्स के बारे में। दोस्तों एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशेंसी सिंड्रोम, दोस्तों यह मनुष्य में होने वाला HIV वायरस से रोग है। दोस्तों HIV वायरस से होने वाला रोग है, इसका जो परीक्षण किया जाता है रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है। तो दोस्तों मनुष्य में रक्त में अगर अल्कोहल की मात्रा 5% हो जाए तो ये मृत्यु का कारण बन जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मानव रक्त में अल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कहते हैं जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ है मानव शरीर में रक्त के 1000 ml में 1 ml अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन यदि 5% या इससे अधिक की उपस्थिति होने पर मानव की मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जीव में पित्ताशय नहीं पाया जाता? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऊंट में पित्ताशय नहीं पाया जाता, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होता है, परंतु घोड़ा, चूहा तथा ऊंट इसके अपवाद हैं, इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है, जबकि बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशु में पित्ताशय बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से होल्स्टीन जो होती है गाय की उच्च दूध उत्पादन करने वाली प्रजाति है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, यह मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाती है। दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी एमस्टरडम होती है। इसका रंग जो होता है दोस्तों सफ़ेद होता है या काला होता है। इस जाति की गाय वर्ष भर में अधिकतम 74,650 पाउंड अथवा 33,860 किलोग्राम तक दूध देती है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। आज के वीडियो का होमवर्क दोस्तों आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।